हे भगवान, अब तो विराट और अनुष्का ने भी खुशखबरी सुना दी और मैं यहाँ 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की भेज दो ताकि मैं भी आपको और इन दुनिया वालों को खुशखबरी सुना सकूं। आपसे एक छोटी सी अरदास है, बस ये अरदास पूरी कर दो भगवान, प्लीज। हेल्प? आपको साक्षात भगवान होने के बावजूद हेल्प चाहिए? इतना मुश्किल काम है क्या एक इंजीनियर की सेटिंग करवाना? बचाओ, ये तो कोई और ही बला है। हाँ हाँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी बातों पर ही तो था। आगे बताओ। अच्छा, जरा बताना मैंने क्या बताया। ओह नो। यही कि बाहर मैराथन की दौड़ चल रही है और तुम सबसे आगे भाग रही हो, तुम एकदम से प्यास लगी तो तुम पानी पीने के लिए आ गई। लाऊं पानी? अरे स्टूपिड, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। अच्छा गुंडे पड़े, क्या, क्यों, कैसे? अरे यार वो साड़ी को यहीं कहीं होगी, जिंदा नहीं छोड़ना आज उसे। अरे बताना। सुबह सुबह लगे पड़े हैं। छी, आगे को ढूंढ रहे। तुमने एनाकोंडा भाई का नाम सुना है? हाँ, वो तो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे किसी अजनबी से क्यों ना शादी करनी पड़े। हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर छुपा सकती हो, प्लीज? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, और अगर एक जवान लड़का और एक जवान लड़की घर में अकेले रहे तो समझ सकती हो ना तुम। ओ हेलो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तो मैं कब कुछ कह रहा हूँ। गुंडे फिर से आ गए। तुम कुछ लेना पसंद करोगी? चाय, पानी, कॉफी, कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये गुंडे तुम्हारे पीछे? एक मिनट, हाँ मैं अभी आया। क्या हाल है ब्रो, कहाँ मौज ले रहा है आजकल? ब्रो तेरा भाई तो घर पे ही मौज ले रहा है यार, तू सुना। अबे तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरे कोई बंदी बंदी सेट हो गई हो। सेट भी हो जाएगी भाई, घर पे ही तो बैठी है। क्या मतलब? देख मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। वाह यार, ते तो लॉटरी लग गई। अब बस उसको रात को घर पे रोकना है, उसके बाद तो तुझे पता ही है वो तेरे भाई के प्यार में पड़ी जाएगी। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओ ये क्या कर रही हो तुम? I think वो लोग चले गए हैं और अब मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए? हाँ, हमेशा के लिए बसना थोड़ी ना है यहाँ। Thank you so much, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मेरा मतलब है कि वो इतने खतरनाक गुंडे थे, अगर वो बाहर ही कहीं इधर उधर हुए तो, और वैसे भी तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और फिर उस एनाकोंडा भाई से शादी करा देंगे। तुम चाहती हो ऐसा हो? चाहती हो? नहीं। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, अगर रास्ता साफ हुआ तो तुम निकल जाना, ठीक है? ओके। अबे ये कैसे गुंडे हैं यार, इतनी जल्दी चले भी गए, अब कैसे करूं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो गया? तुम बाहर नहीं जा सकती, वो लोग नीचे घूम रहे हैं। पर मैंने देखा था, तब तो कोई नहीं था। तुम खुद जाके देख लो। ठीक है मैं देखती हूँ। तुम पागल हो क्या यार?
सुबह तुम्हारे पीछे 6-7 गुंडे भाग रहे थे ना? नहीं, 3 थे। उनके पास हथियार भी थे ना, खतरनाक है ना? नहीं, वो तो खाली हाथ थे। तो इसका मतलब अब उनका पूरा ग्रुप आ गया है और अब उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। अब तो वो लोग तुम्हें उठाएंगे नहीं, सीधा उठा ही देंगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर बात एक औरत की इज्जत पर आ जाए तो ये मनीष शर्मा जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या मेरी बातों पर? नहीं। मैं अपनी मरी हुई सेटिंग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी सेटिंग मर गई है? हाँ। I'm sorry, पर ये कैसे हुआ? उसे आम खाने का बहुत शौक था। एक दिन हम दोनों बगीचे में बैठे हुए थे, उसने जिद की कि उसे आम खाना है। मैंने पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाया, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। आम के साइड में ही मधुमक्खी का छत्ता था। पत्थर सीधा जाकर छत्ते में लगा, मधुमक्खियाँ बिरच गई। और तुम्हें तो पता ही है लेडीज आपस में कितना चिढ़ती हैं एक दूसरे से। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सेटिंग को चिपट गई, ऑन द स्पॉट मर गई वो। प्लीज तुम रो मत, शांत हो जाओ। अब होनी को कौन टाल सकता है? बस यही सोचकर मैंने मूव ऑन कर लिया। वैसे भी आम तो उसी को खाने थे, मेरी गलती थोड़ी ना है। अब आप ज्यादा जिद मत कीजिए, रात ज्यादा हो गई है, आप यहीं रुक जाइए, सुबह निकल जाना। लेकिन मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, रात को साड़ी पहन के थोड़ी ना सोऊंगी। तो उतार दो। हाँ? मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त के कपड़े पड़े हुए हैं, तुम वो पहन सकते हो। अच्छा, तो अब मैं लड़कों के कपड़े पहनूंगी। वो टिकटॉक बनाता था, साड़ी से लेके ब्लाउज से लेके पेटीकोट तक तुम्हें सब मिलेगा। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। कुछ भी नहीं, मैं तो बस योगा कर रहा था। चलो सोते हैं। सोते हैं मतलब तुम यहाँ सोगे मेरे साथ? हाँ, वो दूसरे रूम का तो एसी पंखा सब खराब हुआ पड़ा है ना, मैंने तुम्हें बताया तो था। तुमने मुझे नहीं बताया। अच्छा, भूल गया हूँगा, कोई बात नहीं, अब बता दिया, एक ही तो बात है, सो जाओ। ठीक है, लेकिन मुझसे थोड़ा दूर होके सोना। ऑब्वियसली दूर ही होके सोऊंगा, सो जाओ सो जाओ। हुआ? तुमने मुझे अभी टच किया। अरे नहीं यार, वो एक्चुअली मुझे ना नींद में प्यार करने की बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? जैसे नींद में चलने की बीमारी होती है ना, ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। तुम ना, एक तो मुझे पहले ही नींद नहीं आ रही है, चुप करके सो जाओ। ओके। भाई यार, मैंने उसे घर पे तो रोक लिया, लेकिन उसके साथ फुल फ्रैंक कैसे हूँ? भाई इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? दारू। बस तू उसे किसी तरीके से दारू पिला दे, लेकिन उससे डायरेक्ट पीने के लिए मत पूछियो। बस आगे कुछ बताने की जरूरत ना है, मैं सब समझ गया। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओ यार, तेरे को नींद नहीं आ रही तो तू सो क्यों रही है? एक बात बता, तू पार्टी वार्टी नहीं करती क्या? करती हूँ ना। क्या करते है तू पार्टी में? डांस करते हैं। और क्या करती है? खाते हैं, पीते हैं। क्या पीते हो? जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस, जो मिल जाए बस। हाँ ठीक है, फिर सो जा।
ओए सुन। हाँ। दारू है क्या? है ना, बहुत है। तो हो जाए दो दो पैक। यार देख, मैं तो पीता नहीं हूँ, पर तू कह रही है तो आज ले लूंगा, मैं भी लेकर आता हूँ। सुन, हाँ बोलो। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा तुम बहुत हरामी हो, लेकिन जो लड़का एक लड़की के साथ पूरी रात रहकर भी उसके बारे में गलत सोचे भी ना, वो हरामी कैसे हो सकता है? है ना, देखा देखा, मैंने तुम्हारे बारे में 1% भी गलत दिमाग में लाया तक नहीं। अपनी मरी हुई सेटिंग की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। शिट, ये एनाकोंडा भाई तो नहीं? तू एक काम कर, जल्दी बाथरूम में छुप जा, मैं देखता हूं। चाचा जी, चाची जी।